तो ये जो टीवी चैनलों पर आ रहा है विकास हो गया है विकास हो गया है, ये आपके गांव में नहीं पहुंचा? नहीं नहीं कुछ नहीं, सब धरे बैठे घोटाला करे बैठे। अभी यहाँ पर विधायक कौन है? विधायक मान मिंदर। तो उनसे आपने नहीं बोला कभी? सब प्रकार को सुनता ही नहीं। मैं वादा करता हूँ इस बात का कि ये इस समस्या का निराकरण मैं सर्वप्रथम करूंगा। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव चल रहे हैं, जिसमें अभी वर्तमान में योगी सरकार ने 5 साल तक शासन किया है, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि विकास की रेल लगातार चल रही है। हम पहुंचे हैं नागरपाल गांव में, जो कि ददरोल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सबसे पहले तो आप ये गली देखिएगा, कैमरामैन से मैं कहूंगा कि आप एक बार ये गली दिखाइएगा पूरी, यहाँ से लेकर वहां तक आप देखिएगा किस तरीके का कीचड़ भरा पड़ा है यहाँ पर। और दावा किया जाता है कि काफी बड़े स्तर पर विकास किया जा रहा है, आप विकास अपनी नजरों से देख सकते हैं। और अभी हम चलते हैं, यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं कि ये क्या समस्या है, कब से समस्या है। चलिए बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, ये कितनी ये गली किसने बनवाई है, कब से बनी हुई है? जब चलीपान आ रहे तब रहे नरक में निकल रहे, जिन पर कह रहे वो बनवा देंगे, बनते ही ना ये गली, बच्चा इसमें पूरे गांव को धोन और इसमें पाए सड़ जाएंगे, तो हमारे लोगों ने क्या निकलती निकलती। तो योगी जी तो बोलते हैं कि उन्होंने बहुत विकास करा दिया। कहां करा जाता, नरक में निकलती तो इधर ही नहीं गई, नरक में निकलती पूरा गांव वहीं से जिन पर मैं हम लोग। अच्छा, आप ये बताइएगा कि ये कितने समय से है और इससे क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? हमारे इतना इतनी गंदगी बीमारी फैल रही, इसमें बहुत दलित पूरा गांव को लेटरिन वगैरह भयानक भट्टी आई, गोड़े फरिजाब निकल गए हमारे लोगों ने क्या आएंगे। अभी यहाँ पर विधायक कौन है? विधायक मान मिंदर। तो उनसे आपने नहीं बोला कभी? सब प्रकार को सुनता ही ना है, कोई नहीं सुनता है। नमस्कार माता जी, प्रधान तक नहीं देखता, इससे कितनी समस्या होती है? क्या समस्या है ये बताइए? समस्या सब देखा था, कब से समस्या चल रही। तो इससे आने जाने में किसी को चोट भी लगी है? समस्या का आप लोग देखो, जय पर मान मंदिर चले जाए ना, सुनाई प्रधान चले जाए बहु ना सुनाई, कोई सुनता ही नहीं, क्या करें। तो ये जो टीवी चैनलों पर आ रहा है विकास हो गया है विकास हो गया है, ये आपके गांव में नहीं पहुंचा? नहीं नहीं कुछ नहीं, सब धरे बैठे घोटाला करे बैठे, सारे वोट ले लिए, वोट ले लिए, सरकार बना लिए, पेट भरी हुआ बस बैठे, भले सारे बीजेपी वाले घूमा। किसकी सरकार आएगी? सरकार क्यों की जाए, लेकिन नहीं अपनी मायावती। ओके ओके, मायावती को वोट देंगे? देंगे। ओके जी, ओके। नमस्कार जी, बताइए इस समस्या के बाद आपके गांव में कितनी बार आ चुके हैं? तो अभी आप देख पा रहे हैं हम नागरपाल गांव में मौजूद हैं, जो कि ददरोल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन जिस तरीके से आप ये गली देख पा रहे हैं, लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है और सिर्फ प्रचार किया जाता है कि बहुत विकास चल रहा है। हम आपको सच्चाई दिखाते रहेंगे, हर गांव की समस्या से रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिएगा चतुर्दिशा टाइम्स। अभी हम यहां मौजूद हैं नागरपाल गांव में, जहां पर अभी हमने आपको ये गली की समस्या दिखाई थी, और हमारे साथ ये बीएसपी के उम्मीदवार भी हमें यहीं पर मिल गए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये क्या समस्या है, लोगों को बहुत समस्या है लेकिन सरकार काम नहीं कर रही है, क्या कहना है आपका? यहाँ जो हम देख रहे हैं सामने, ये दिक्कत आ रही है, अब आने वाली बीएसपी की सरकार है तो ये समस्या नहीं आएगी। हम अगर विधानसभा में पहुँचते हैं तो ये हम हमारे कार्यकाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर जैसे कि हमने जो इतनी जनता खड़ी हुई है उनसे पूछा, यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को चोटें भी लगती हैं, और क्या आप इस जनता को जो ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं इनको विश्वास दिला सकते हैं कि अगर आप विधायक बनते हैं तो इस समस्या का सबसे पहले समाधान होगा? मैं वादा करता हूँ इस बात का कि ये इस समस्या का निराकरण मैं सर्वप्रथम करूँगा, क्योंकि किसी भी ग्रामीण वासी को दिक्कत ना हो,
आने वाले ये आने जाने वालों को जो दिक्कत होती है वो कोई परेशानी नहीं आएगी। और बीएसपी की सरकार बनने जा रही है और बीएसपी में जो विकास होता है वो आप देख सकते हैं। मान्यवर कांशीराम योजना जो माननीय बहन जी ने लागू की थी उससे कितने गरीबों को फायदा मिला था आज आप देख सकते हैं। हमारे आवास विकास के आसपास में है तो वहाँ जाकर देख सकते हैं कि कितना वहाँ पूछिए, वहाँ आप देखिए और कितने गरीबों को वहाँ पर बहन जी ने आवास दिए हैं। उसके लिए सभी हमारे देवतुल्य मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी जो बीएसपी के उम्मीदवार थे उन्होंने हमें बताया कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले इसी समस्या का समाधान किया जाएगा। अभी जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे भी हम एक बार पूछ लेते हैं कि उनको कितना विश्वास है। नमस्कार सर। हमें ही जो है मतलब हम तो वोट देंगे क्योंकि मेरी को पार्टी है, लेकिन पहली जेट नालियों की सफाई, नाली जुड़ेंगी और जो भी सफाई है मतलब वो काम होना चाहिए। सर आपको अगर इस समस्या का समाधान हो जाएगा तो आपको कितनी खुशी होगी? बढ़िया होगा। तो आप जो विधायक पद के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कहा है, आप उनकी बात से कितने खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं।